अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी नीट राइटिंग के बारे में एक मैं आपको लेक्चर देना चाहता हूँ, जो हमारा लेक्चर नंबर वन है, नीट राइटिंग लेक्चर नंबर वन। तो ये हम आज करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि हम अपनी नीट राइटिंग मतलब साफ राइटिंग कैसे कर सकते हैं। एन लफज एन ई सी की तरह साफ करने के लिए ई, फिर सी की तरह सी लिखना बड़ा आसान है। आप सी डालें आगे छोटा सा एल की तरह ऐसे ए टी, एक लाइन इधर सीधी और एक लाइन इधर नीट। डब्ल्यू आर फिर यहाँ पर सी उल्टा सी हो जाता है राइट। अच्छा राइट डब्ल्यू नीट राइट। अच्छा ये लफज है एक हमें लिखा। अच्छा तो इसको हम अच्छा इसको हम अपने साफ राइटिंग में हम कुछ भी लफज लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे बोर्ड के पेपर्स होते हैं, ये बोर्ड के इम्तिहान से हम ये गंदा गंदा सा कुछ लिख सकते हैं। हाँ पर मैं जब बोर्ड के पेपर में था ना, क्लास क्लास ही लग रहे हैं हमारे, जब मैं बोर्ड के पेपर में था बच्चे मुझसे बड़े जल्दी पहले कर लेते थे और मुझे ये मुझे नहीं पता था क्या ये कैसे करते हैं। जब मुझे पता चला ना तो उनके काफ़ी कम नंबर आए थे इसी वजह राइटिंग में से, इससे आप फेल भी हो सकते हैं। अच्छा तो ये क्लास का ऐसे आप क्लास लग सकते हैं। तो उर्दू में लिखने के लिए सीन के दो दंडे लगे सीधे तरफ लगा ये आगे दे सी ते सीरत सीरत। अच्छा तो इस तरह के हम अपनी राइटिंग को साफ कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर वन था। तो देखते रहिए लर्निंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम।